हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने ये जो कुर्ती रखी हुई है, इस कुर्ती को, सिंपल कुर्ती को हम लोग डेकोरेट करके पार्टी वियर बनाने वाले हैं। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये सिंपल कुर्ती। आज हम इस कुर्ती को डेकोरेट करेंगे और इसे पार्टी वियर बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी को पता है, जब इसे डेकोरेट करना है तो हमें कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। जैसे हम लोग पर्ल का यूज़ कर सकते हैं, पर्ल मीन्स मोती, मोती भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। पर हम लोग मोती ना यूज़ करते हुए हम सिंपल सी लेस से हम इसे डेकोरेट करने वाले हैं। तो देखिए, दीज आर सम ब्यूटिफुल लेसेस, बट हम इसमें से सेलेक्शन करेंगे कि हमारे इस कुर्ती पर कौन सी लेस ज़्यादा डेकोरेट, मतलब ज़्यादा अच्छी लगेगी। हम उसके अकॉर्डिंग हम इस पर अप्लाई करेंगे लेसेस को। देखिए, एक ये लेस है, एक ये लेस है, बट एंड ये हम इस लेस को सेलेक्ट करते हैं इस कुर्ती के लिए, ताकि ये सुंदर लगे। चलिए, लेट्स स्टार्ट। देखिए, हमने एक सुई ले ली है सिंपल, और जिस कलर का हमारा लेस है उसी कलर की हम लोग थ्रेड इसमें सुई में डालेंगे। धागा ज़्यादा बड़ा मत लीजिएगा, क्योंकि ये बाद में आपको प्रॉब्लम देगा, स्टिच करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है। पहली बात तो, आप लोग चाहें तो इसको मशीन की हेल्प से भी आप स्टिच मार सकते हैं, बट जिन लोगों को मशीन नहीं चलानी आती है और जिन्हें अपनी कुर्ती, सिंपल कुर्ती डेकोरेट करनी है, तो वो इस तरीके से अप्लाई करें जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम नेक से स्टार्ट करेंगे। ये नेक का जॉइंट है, शोल्डर है, इस शोल्डर पे से हम लेस लगाना शुरू कर देंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है, जो पूरा जो कुर्ती की जो नेक है वो पूरी राउंड है, तो हम इसे भी, लेस को भी राउंड राउंड पूरे में सर्किल की तरीके से लगाएंगे। चलिए, स्टिच करते हैं अब इसे हम। और थ्रेड का जो पार्ट है वो दोनों आप डबल ही रखिएगा थ्रेड को। अगर आप सिंगल थ्रेड से काम करेंगे, सिंगल धागे से काम करेंगे, तो वो बहुत कमज़ोर रहेगा और ये उधड़ने का डर रहेगा इसमें। तो डबल थ्रेड से आप इसको सिलिए। चलिए, देखिए, आप इस तरीके से आप ध्यान दीजिएगा कि थ्रेड जो है, धागा जो है, ऊपर की साइड से आप कम लीजिएगा और अंदर की साइड से ज़्यादा स्ट्रीम कीजिएगा, ताकि ऊपर लेस के ऊपर ज़्यादा बड़े बड़े टाँके ना दिखाई दें। अंदर अगर बड़े टाँके आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर नेक पे ऊपर की साइड बड़े टाँके ना दिखें। लेस हम इस तरीके से लगाएंगे और इस तरीके से थोड़ा सा बॉर्डर, आप देखिए, इस तरीके से थोड़ा सा बॉर्डर छोड़ते हुए आप लगाइएगा, ताकि ये आपको लेस जो है ना, नेक पर चुभे ना। थोड़ा थोड़ा सा डिस्टेंस देकर हम इसे पूरा राउंड शेप में सिल देंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये पूरा जो लेस है पूरा राउंड में लग चुका है इस तरीके से। ये इस तरीके से नेक पे पूरे पे लग चुका है। बस खाली अब हम ध्यान देंगे इसके जॉइंट्स पे। ये जो जॉइंट है, बी केयरफुल, क्योंकि यहाँ से फिनिशिंग आपकी ख़राब हो सकती है। तो आप इसको अटैच किस तरीके से करते हैं, ये थोड़ा फिनिशिंग वाला काम है, तो आप इसको बड़ा ध्यान से देख लीजिएगा और ध्यान से ही कीजिएगा, क्योंकि इसी से पूरा लुक कुर्ती का अच्छा भी हो सकता है और ख़राब भी हो सकता है। चलिए देखते हैं। देखिए, अब जो पहला वाला पार्ट है लेस का, हम इसको इसके नीचे दबाते हुए इसके ऊपर लेस लगा देंगे इस तरीके से, जिससे कि ये जो लेस है एकदम एक के ऊपर एक ही रखिएगा, जिससे कि नीचे वाला पार्ट जो है वो ठीक से दिखे ना लेस में, इस तरीके से, ठीक है। और नेक्स्ट आप कट करके इसको फोल्ड कीजिएगा। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ऐसे कट लगाया हमने लेस पे, एक्स्ट्रा में ही थोड़ा काटिएगा।
ताकि हम इसे फोल्ड भी कर पाएँ। इस तरीके से आप इसे स्टिच मार दीजिए बस। ये पूरा हमने स्टिच तो मार दिया है, एक्स्ट्रा पार्ट जो आपको लग रहा है कि थोड़ा और लग रहा है तो इसको आप इस तरीके से सीजर से सेट कर दीजिएगा। ओके, सेटिंग हो गई, अब हम इसको पक्का करेंगे। इस धागे को आप ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से हम सिलेंगे। ऐसे सुई लीजिए और इस धागे को ऐसे ऊपर से लेकर इसमें गांठ मार दीजिएगा जिससे कि ये खुले ना, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ही कच्ची सिलाई पूरी लेस पे की है। अगर ये खुला एक जगह से, अगर कहीं से भी धागा टूटा तो पूरी लेस खुल जाएगी, इसलिए आप इस तरीके से इसमें गांठ मार दीजिएगा जिससे ये बहुत ही टाइट काम हो जाए। इस तरीके से जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये पूरा नेक डेकोरेट हो चुका है। इस प्लेन कुर्ती में आप काफ़ी हद तक लुक आ चुका है, और भी इस लुक लाने के लिए हम इसी लेस से इसको और डेकोरेट करेंगे। आप चाहें तो इसे प्लेन भी छोड़ सकते हैं, एज यू लाइक, जैसा आपको पसंद हो, आप जैसी कुर्ती पहनना चाहते हो उस तरीके से आप डेकोरेट कर सकते हैं। हमने तो देखिए सिंपली इस पे लेस पूरा राउंड लगाने के बाद में हम इसे फ्रंट पे भी थोड़ा सा इससे लुक देने वाले हैं फ्रंट पे। चलिए देखते हैं कैसे लुक देंगे हम इसे। फ्रंट पे लेस लगाते समय सबसे पहले आप मिड देखिए, इसका नेक का मिड कहाँ है, क्योंकि आप मिड नहीं देखेंगे तो इसका लुक खराब हो जाएगा। इसमें मिड देखना पड़ेगा हमें कुर्ती का। देखिए ये इस कुर्ती का मिड है, बीच वाला हिस्सा जो होता है ये देखिए, यहाँ पर आप हो सके तो चौक से मार्क कर दीजिएगा, क्योंकि ये अगर आप लेस लगाएंगे, अगर वो आउटसाइड में लग गई लेस तो उसका लुक ख़राब हो जाएगा कुर्ती का, इसलिए आप इसको मार्क कर दीजिएगा कि चौक से कि हमें इस जगह पर इसमें लेस लगानी है। आपके पास अगर चौक नहीं है तो पेन पेंसिल किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, इस कुर्ती पे इतना नहीं दिखेगा। अब ये लेस हमने ली है, फ्रंट पे हम लगाएंगे, क्योंकि इस लेस का लुक इस तरीके से है इस वजह से हम इसको अच्छे से यूज़ कर पा रहे हैं। अगर ये प्लेन लेस होती तो हमें कुछ और जुगाड़ लगानी पड़ती इसके लिए, पर इसका लुक इतना अच्छा है तो हम इसे इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। तो आप डिसाइड कर लीजिएगा, आपको पूरे कुर्ती में, बीच में, मिड में, पूरे कुर्ती पे लगाना है लेस, या फिर आप चाहें तो इसको इंचज़ में लगा सकते हैं। आपको कितने इंच का चाहिए, 4 का 5 का, तो उसके अकॉर्डिंग आप लेस काटेंगे और इसको स्टिच मारेंगे स्ट्रेट। चलिए हम देख लेते हैं हमें कितना चाहिए। हम इसको 6 इंच रख लेते हैं, चलिए 7 रख लेते हैं, 7 इंच पे हम इसमें कट मार रहे हैं लेस में। और नहीं, कट मत मारिए, चलिए हम इसको ऐसे ही फोल्ड करके लगाएंगे, क्योंकि कट मारेंगे तो फिनिशिंग थोड़ी ख़राब हो सकती है, कट ना मारने से ज़्यादा अच्छे से फिनिशिंग आएगी इसकी। इस तरीके से फोल्ड करके हम इसको स्टिच मार देंगे। चलिए स्टिचिंग करते हैं इसकी। तो फ्रेंड्स देखिए हमारी कुर्ती रेडी है। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो प्लेन सी दिखने वाली कुर्ती थी अब किस तरीके से पार्टी वियर लुक दे रही है। अब आप देख पा रहे होंगे अब इसका बिल्कुल ही डिफरेंट लुक सामने आ रहा है। अब आप इसे आराम से किसी भी पार्टी फंक्शन में पहनकर जा सकते हैं। आप देख रहे हैं ये सिंपल सा, ये दुपट्टा भी बहुत प्लेन सा था जिस पर हमने इस तरीके से लेस लगाकर इसको कुर्ती के साथ मैच कर दिया है। आप भी इसी तरीके से किसी भी प्लेन दुपट्टे पर कुर्ती से मैचिंग की लेस लगाकर आप पूरा सूट या पूरा सेट सूट का बना सकते हैं। फ्रेंड्स आपको ये मेरा आइडिया कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, और आपने ये अप्लाई किया या नहीं ये भी हमें हमारे साथ शेयर करें। आपको अगर मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हम और भी प्यारे प्यारे वीडियो आपके साथ शेयर कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।